स्क्लेरोटिनिया तनासड़न रोग दुनिया के उन तमाम हिस्सों में पाया जाता है जहां पर चना उगाया जाता है। यह रोग स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोसियरम नामक फफूस से होता है और चने की फसल में किसी भी वृद्धि अवस्था में लग सकता है। आइए अब जानते हैं इस रोग के लक्षण कैसे होते हैं। यह रोग कारक मिट्टी में रहता है, इसलिए यह भूमि तल के पास से ही संक्रमण शुरू करता है। रोगी पौधे पहले पीले पड़ जाते हैं, फिर भूरे होकर मुरझा जाते हैं और आखिर में सूख जाते हैं। इस रोग के लक्षणों में विशेष रूप से चने के पौधों की पीली या सूखती हुई शाखाएं दिखाई देती हैं। मिट्टी से 5 सेंटीमीटर ऊपर के तनों के हिस्सों में सफेद कवक जाल दिखाई देता है। तनों के ग्रसित हिस्सों में सफेद, भूरे या काले रंग के अनियमित आकार के स्क्लेरोसिया दिखाई देते हैं। अगर आप इन ग्रसित तनों को बीचोंबीच फाड़कर देखेंगे तो आपको कवक जाल और स्क्लेरोसिया दिखाई देंगे। इन स्क्लेरोसिया की मदद से यह फफूद कई सालों तक मिट्टी तथा पौधों के ग्रसित हिस्सों में जिंदा रह सकता है। चने के पौधों की बहुत ज्यादा शाखीय वृद्धि, मिट्टी में बहुत ज्यादा नमी, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और ठंडा मौसम इस रोग के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल होता है। आइए अब जानते हैं कैसे इस रोग की रोकथाम की जाए। चने की फसल उगाने के लिए स्वस्थ तथा प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें। खेत की गहरी जुताई करें। चने की फसल ऐसे खेत में लेनी चाहिए जिनमें जल निकास का उचित प्रबंध हो। फसल चक्र अपनाना चाहिए जिसमें चने की फसल लेने के बाद खेतों में धान लगाना चाहिए।